सभी लोग, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। और थोड़ा सा आजकल हेल्थ इशू चल रहा है, हेल्थ इशू बस इसलिए कि मुझे पता नहीं क्यों रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैं सुबह 3:30-4 बजे तक जगती रहती हूँ, और उसके बाद जब मेरे बच्चों को स्कूल जाने का टाइम होता है तब मुझे हल्की हल्की सी नींद आना शुरू होती है, और उस नींद आने की वजह से मैं उनके लिए प्रॉपर लंच नहीं बना पाती हूँ। तो जब प्रॉपर मैं लंच उनके लिए नहीं बना पाती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं माँ मुझे कुछ भी आप दे दो, तो अच्छा नहीं लगता है मुझे कि मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए, क्योंकि वो सोचते हैं माँ का हेल्थ उसी हुआ है तो चलो कुछ भी ले चलो। लेकिन मैंने फिर भी उनको आज सब्जी पराठा दिया है, और आज छोटी बेटी मेरी बोल कर गई कि माँ आज मुझे भिंडी की सब्ज़ी खानी है, तो मैं जा रही थी भिंडी कट करने पहले तो उससे पहले मैंने सोचा एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना लेती हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अकेलापन आप लोगों से बात करते हुए फील नहीं होता है, क्योंकि मुझे बहुत ही इस समय टेंशन हो रखा है किसी बात का, बहुत ही ज़्यादा मैं इस समय टेंशन में रहती हूँ। अगर मैं फ़ोन यूज नहीं कर रही हूँ उस समय तो बस मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो सोचते सोचते मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आने लगती है, इतनी तेज़ गुस्सा आने लगती है। क्या लाइफ में सब कुछ पैसा ही ज़रूरी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही वैसे लोअर क्लास की हैं, लेकिन मुझे उनका जो मेंटल लेवल है मेरे उनसे वो मैच करता है और मुझे अच्छा लगता है। और लेकिन मेरे बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं जो सिर्फ मुझे या और किसी को वो सिर्फ पैसे से ही जज करते हैं। और मेरे कुछ अपने रियल रिश्तेदार हैं जिसको सगा बोल सकते हैं, ब्लड रिलेशन में भी हैं, जो सिर्फ मुझे पैसे से जज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कम अच्छा खाती हूँ, कम अच्छा पहनती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, बहुत अच्छा पहनती भी हूँ, लेकिन हाँ मुझे शो ऑफ करना नहीं आता है। और मेरा घर अच्छा नहीं बना हुआ है, आप लोगों ने अक्सर देखा कि मुझे मेरा घर अच्छा नहीं बना हुआ है, तो जो मेरा घर अच्छा नहीं बना हुआ है इस वजह से मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है सोसाइटी में मुझे अपने ही फैमिली में वो जो मेरे कुछ खास ब्लड रिलेशन हैं तो वो लोग मुझे मेरे घर की वजह से मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, पता नहीं कितने अजीब अजीब से वर्ड बोलते हैं मेरा कुछ लोगों से इसमें क्या बोलते हैं, कहा सुनी तो नहीं कह सकते, झगड़ा भी नहीं कह सकते, बस ऐसे मनमुटाव सा चल रहा है कि ना मैं उनसे बोलती हूँ ना वो मेरे से बोलती हैं, जबकि मैं उनसे 10 गुना अच्छा खाती हूँ और पहनती हूँ और पैसे भी अच्छे से खर्च करती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते और बात बात में मुझे नीचा दिखलाते हैं, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है ये चीज़ सोच कर। तो मैं बस इसी बेसिस पे ब्लॉग बनाती हूँ कि आप लोगों से बात करके थोड़ा सा मेरा मन अच्छा हो जाता है और आप अपनी बातें मैं शेयर कर पाती हूँ। और एक जो माँ होती है ना, कहते हैं कि माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन नहीं, आज की कलयुग की दुनिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जो माँ होती है ना उसके लिए भी कौन बच्चा ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, कौन बच्चा ज़्यादा अच्छे से सेटल्ड है और कौन बच्चा उसका कैसा है, माँ भी वो देखकर ही बच्चों से भेदभाव आजकल करने लगी हैं, मैंने ऐसा रियलिटी में देखा है और देख रही हूँ। तो मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा इसमें तकलीफ़ में हूँ कि मुझे बातें करते करते रोना आने लगता है। मैं अपनी बड़ी बेटी से जब बात करती हूँ तो मैं अक्सर उससे बात करते हुए रो देती हूँ कि बेटा क्या मैं इतनी बुरी हूँ, तो वो कहती माँ कुछ नहीं, मैं थोड़े दिन आप रुको सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं उसकी बात पे ट्रस्ट करती हूँ कि वो बोलती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो है तो बहुत छोटी सी लेकिन वो मेरा एक जैसे कहते हैं ना माँ जैसे मेरा वो ख्याल रखती है। अगर मैं लेटी हूँ कहेगी माँ आपकी तबीयत ख़राब है, और वो फिर मुझे बेड पे चाय देगी, नाश्ता देगी, अगर कहेगी माँ आप लेटी रहो भले ही वो भूखी होगी लेकिन कहेगी माँ मुझे भूख नहीं, आप रहने तो कुछ मत बनाओ बाहर से आ जाएगा। तो ऐसे हैं लोग, और ऐसी मेरी प्यारी सी बेटियाँ हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ओके रखती हूँ क्योंकि देखिए अजान शुरू हो गई है और मेरी बेटियों को आने का टाइम हो चुका है, तो मुझे जाना है गेट खोलने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।